मीडिया को लेकर विपक्ष ने उठाया बड़ा कदम। इंडिया के 14 न्यूज एंकर का किया बहिष्कार। डिबेट में नहीं जाएगा विपक्ष का कोई नेता व प्रवक्ता। विपक्ष के गठबंधन इंडिया ने अब कई टीवी एंकर्स का बायकॉट करने का फैसला किया है, जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन ने ऐसे न्यूज एंकर्स की सूची भी जारी कर दी है जिसमें 14 न्यूज एंकर्स को शामिल किया गया है। अभी न्यूज एंकर्स के शो में गठबंधन के नेता नहीं जाएंगे। यह सूची कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर शेयर किया है। पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंडिया मीडिया समिति द्वारा आज दोपहर आयोजित एक वर्चुअल बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। इंडिया पार्टियों के प्रतिनिधि इन एंकर्स के शो में हिस्सा नहीं लेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जिन टीवी एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला लिया है उनमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सांबत, नाविक कुमार, प्राची प्रासर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा का नाम शामिल है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर अपनी समन्वय समिति की बैठक के बाद कुछ टेलीविजन एंकरों का बायकॉट करने का ऐलान किया। अब इनके एक दिन बाद यानी गुरुवार 14 सितंबर को 14 ऐसे टेलीविजन एंकर्स के नाम की लिस्ट भी सामने आ गई जिनके शो पर गठबंधन के नेता नहीं जाएंगे और ना ही किसी न्यूज चैनल पर इनकी डिबेट में इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी का प्रवक्ता जाएगा। दरअसल इन न्यूज एंकर पर विपक्ष का आरोप है कि यह लोग एक एजेंडा के तहत खबरों को दिखाते हैं और न्यूज डिबेट करते हैं। साथ ही सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर विपक्ष के बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। अक्सर न्यूज शो और डिबेट के दौरान ये एंकर खुद ही भाजपा प्रवक्ता की भूमिका में नजर आते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा इन न्यूज एंकरों का बहिष्कार किए जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।